ऐसा पहली बार इस चैप्टर में हुआ है जहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे लगता है इसलिए इस वजह से हुई है क्योंकि बेंचमार्क इतना हाई रहा है इस शो के लिए और हमारे लिए कि और तीनों का नज़रिया जायज़ सी बात है कि डिफरेंट होंगी. तो आई जस्ट थिंक दैट द ब्यूटी अबाउट दिस एंटायर इक्वेशन बिटवीन द जजेस इज़ दैट वी यू नो वी हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. और इसमें मतलब कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं कि अगर उनको कोई बच्चा अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगता है कि अगले पड़ाव तक जाना चाहिए. ये इनका नज़रिया है और उसे बैकअप करने के लिए इनके पास लॉजिक है और रीज़न है, तो वी आर ओके विद दैट एंड वाइस वर्सा. तो इसमें बुरा लगने वाली बात है ही नहीं बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग द बेस्ट सुपर डांसर फॉर द शो. ओके दादा, इससे क्या कहना चाहेंगे? यू नो बहुत जगह गए आप में ऑडिशन वगैरह किए, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे टैलेंट को? यू नो खास करके बहुत मतलब इंटीरियर में गए होंगे और रूरल एरियाज में गए होंगे इंडिया की. रिसर्च टीम के बारे में क्या कहेंगे? और कहाँ मतलब मैं फिर रिपीटिंग मैसेज फिर बड़ी मुश्किल से कि जहाँ टीआरपी की तो बात मैं करूँगा नहीं क्योंकि बहुत नेचुरल है जैसे माने का जी ने कहा. नहीं देखिए, लखीमपुर से लेकर कानपुर से लेकर कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं और सब बच्चों जिस क्वालिटी ऑफ डांसिंग है गीता आपको बताएगी कि इतना अच्छे से उस छोटे से शहर में ऐसा सब सीख रहे हैं. हम तो देखिए हमारा काम आसान हो जाता है क्योंकि जब हमारे पास जब आते हैं मतलब शॉर्ट लिस्ट से जाते हैं टीम जाती है ढूंढती है तो मैं कभी कभी सोचता हूँ और भी बच्चे रहे होंगे इतने बच्चे तो. और जिस तरह से स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे पॉकेटों में छोटे छोटे डांस क्लासेस में, इट्स अमेजिंग मुझे. और कभी कभी मैं विदेशी डांस शोज़ देखता हूँ, कभी रियलिटी शोज़ देखता हूँ और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत खुशी होती है. ओके गीता जी, आप क्या कहना चाहिए? और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डांस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं आई थिंक. हम लेकर जाने वाले कोई नहीं है, बच्चे आ रहे हैं वो सब लेकर, दे कम विद एन इंटेंशन ऑफ बीइंग बेटर देन द अदर्स. तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है उनको कि आओ यहाँ पे अपनी किस्मत भी आजमा लो और कुछ सीख कर भी चले जाओ. बट आई टोटली अग्री विद दादा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों से बच्चे आए हैं अनबिलीवेबल है हमारे लिए. एंड लाइक शी ऑल्सो मैंशनड अर्लियर, शिल्पा जी ने ये कहा था कि शहर के बच्चे शायद थोड़े से लेड बैक हो गए हैं और दे टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे हैव एवरीथिंग. क्या ये ज़रूरी है? वो बच्चे बड़े सपने लेके आते हैं एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच ऑन दिस शो. एंड मैं चाहूँगी कि जो बच्चे यहाँ से निकलें वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाए और वो कहें कि वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट एंड दे आर कमिंग फ्रॉम इंडिया. सो दैट इज़ आर ड्रीम आई थिंक, टू सी देम ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नाउ. आई थिंक दे आर वेरी ब्लेस्ड. तो कुछ ऐसे डांसर्स होते हैं जो इंट्रिंसिकली बहुत ही नेचुरल डांसर्स हैं और उन्हें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और कुछ ऐसे डांसर्स हैं जैसे दे आर लिविंग द ड्रीम ऑफ समवन एल्स, जैसे उनकी मम्मी शायद डांसर बनना चाहती थी और उनको मौका नहीं मिला तो बच्चों को डांस क्लास में डाल दिया और बहुत सारा प्रैक्टिस किया है उन्होंने तो देव रीच्ड अ सर्टेन लेवल एंड देव बिकम गुड. बट आई रियली थिंक दैट यू नो इट द डांसर्स दैट रियली स्टैंड आउट इन आर ऑन आर प्लेटफॉर्म आर द डांसर्स दैट आर नेचुरली टैलेंटेड हु रियली डांस विद पैशन एंड हु आर देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू बी देयर, नॉट बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल अ ड्रीम ऑफ देयर पेरेंट, यू नो. एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज जजेस टू काइंड ऑफ सिफ्ट फ्रॉम द डांसर्स दैट आर ट्रेंड एंड द डांसर्स दैट आर नेचुरली टैलेंटेड. तो वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है देखना. और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने एबिलिटीज़ को, अपने सेंसिबिलिटीज़ को भी, क्या हमने सही किया, क्या ये डिसीजन सही था. पर आई थिंक वी हैव डन वेल सो फार. और पिछले सीज़न को अगर आप देखेंगे, हमारे फाइनलिस्ट को देखेंगे, आई थिंक आर जजमेंट वॉज इफ इट्स समथिंग टू गो बाय, आई थिंक वी हैव अ फेयर सेंस ऑफ जजमेंट एंड वी फील कॉन्फिडेंट इन दिस सीजन. ओके द लास्ट वन, हु इज योर फेवरेट डांसर फ्रॉम द इंडस्ट्री? फ्रॉम द इंडस्ट्री झगड़ा नो राइट नाउ डेफिनेटली इट्स टाइगर श्रॉफ. राइट नाउ फ्रॉम द एक्ट्रेसेस उनका नाम अभी तो मैं इंडस्ट्री में हूँ.
amongst the actresses, Dada will be able to tell me. अच्छा ना मेरे भी पास करो. Sorry, अच्छा एक का नाम लेंगे फिर दूसरा दो. I think all of them are really, really supremely talented. There's nobody who like if you tell me, Tiger has a special natural talent. Yeah. So that's a different kind of dancing. लड़कियों में who is a good dancer like this? Yeah. ऐसी कोई आ नहीं रहा. You tell. Could be. Shraddha, because she did ABCD, so we kind of saw dancing ability. Yeah, Shraddha. But the other girls haven't got a chance. Jacqueline is very good. Jacqueline is very. Jacqueline is also. She's got a knack. She's got a natural swag, and I like her. Yeah. And among the retro dancers like Helen, Gozamani. You said the name and then after telling me the name, what you asked me? Give me an example. Helen. They're legendary. Yeah, they're all iconic dancers. They set a style. I think that's the beauty also, you know. I'd like to make it's an analogy for me, like if you're able to set a trend and leave a mark, like today we have dancers in Super Dancer 2 who come in doing the Masoom wave, doing the Lakshman cartwheel. Are ye Helen jaise matlab thirakti hai, agar bol sakte hain ye baat, matlab bahut badi baat hai. So it's a great platform for us to be part of, where we're given the responsibility of choosing the right kind of talent, and it's churning some really amazing dancers out. Yeah.